हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन चौधरी। वेलकम टू अन एकेडमी। एमपीपीएससी टीएटी का पार्ट 13 आ चुका है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉम्स एंड सेनेटर फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मकबरे और छतरियों के बारे में। अब देखो, पहली मैं थोड़ा सा आपको छतरी और मकबरे में अंतर आपको बता देता हूँ। दोनों लगभग एक ही पर्पज से यहाँ पर आपको होते हैं, लेकिन जो मकबरा है, स्पेशली मुस्लिम्स को जब दफनाया जाता है तो उनको दफनाने के बाद उसको मकबरा कहा जाता है, लेकिन यही कल्चर जब स्पेशली मराठास या जो राजपूत हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये हिंदू थे और उनको जलाया जाता था, तो जहां पर इनको जलाया जाता था, जहां पर इनका क्रिमेशन किया जाता था, उसी के ऊपर सेनेटर या छतरी बनाई जाती थी। ऐसी कई सारी छतरियां, कई सारी जो टॉम है वो हमारे मध्य प्रदेश में आपको लोकेटेड है। एक एक करके उन तमाम छतरियों के बारे में, तमाम टॉम्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज या जिले वार आपको डिवाइड कर दिया है, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने में आपको थोड़ी सी चीजों में आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर की, और छतरपुर जिले के अंदर तीन महत्वपूर्ण जो छतरियां हैं, तीन महत्वपूर्ण छतरियां लोकेटेड है, जिसमें पहली जो छतरी लोकेटेड है वो है महारानी कमलापति की। और महारानी कमलापति ये एक तरीके से जो राजा छत्रसाल हैं, छत्रसाल की पत्नी हुआ करती थी, और इनका एक ऑक्टोगोनल शेप का या अष्टभुजाकार एक शिला, एक क्या बोल सकते हैं अब आपका जो जो सेनेटर है या छतरी है, छतरी आपके आपके छतरपुर के अंदर आपको स्टैब्लिश की गई है पूरी तरीके से बुंदेला आर्किटेक्चर के ऊपर। ये छतरी आपको स्टैब्लिश आपको की गई, तो पूरी तरह से बुंदेला आर्किटेक्चर है। अगली जो छतरी है वो महाराजा छत्रसाल की छतरी है, और ये छतरी का स्टैब्लिशमेंट या इसकी जो इसको बनाया था खुद आपके बाजीराव पेशवा फर्स्ट ने बनवाया था, क्योंकि बाजीराव फर्स्ट जो है उन वो अपने मतलब एक तरह से महाराजा छत्रसाल जो है वो उनको अपना बेटा मानते थे। तो महाराजा छत्रसाल के तीन बेटे थे, एक का नाम था हृदयशाह, जगतराम, और जगतराम के बाद आपके बाजीराव पेशवा जिनको एडॉप्टेड सन था। बाजीराव पेशवा वाज मैरिड टू मस्तानी बाई, जो पूरी स्टोरी आपने सुनी होगी। तो ये लोकेटेड है आपके छतरपुर जिले के अंदर, छतरपुर के अंदर भी धुबेला ताल करके एक जगह है, तो धुबेला ताल नाम की जगह पे इसको स्थापित किया गया। तो ये दोनों छतरी आपके छतरपुर में है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट छतरी है वो है महाराणा प्रताप सिंह जो है, प्रताप सिंह की छतरी आपको बनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट छतरी आपको बनी है। तो ये राजा प्रताप सिंह जो यहाँ के लोकल राजा थे उनकी एक छतरी यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। अगली ये तीन छतरी हुई आपके छतरपुर की। अब हम लोग बात करते हैं राजगढ़ जिले के बारे में, तो राजगढ़ जिले के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट छतरी आपको मिलेगी। एक छतरी राजगढ़ जिले के अंदर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपको बनी हुई है, वो है श्याम जी की छतरी। अब देखो, श्याम जी जो थे ये राजगढ़ के नरसिंहपुर जो स्टेट था वहाँ के लोकल राजा, लोकल किंग्स हुआ करते थे, और जब इनकी डेथ हुई तो इनकी डेथ के बाद इनकी जो पत्नी है उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा सा जो मंदिर है, एक मंदिर मतलब छतरी बनाई, छतरी के ऊपर एक मंदिर का निर्माण आपको किया, और यहाँ से कई तरह के जो म्यूजिक्स हैं या जो संगीत वगैरह है उस संगीत को यहाँ पर आपको प्रोपोगेट किया। तो राजा श्याम सिंह की छतरी एस्टैब्लिश है आपके राजगढ़ के अंदर। अगली जो छतरी है वो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की छतरी, और ये छतरी लोकेटेड है सारंगपुर के अंदर। तो राजगढ़ जिले के अंदर तहसील है सारंगपुर, यहाँ पर रानी रूपमती और बाज बहादुर की छतरी आपको एस्टैब्लिश है। अब देखो, इस छतरी की थोड़ी स्टोरी यहाँ पर आपको ये है कि जब बाज बहादुर का जब समय आया, या बाज बहादुर का जब मालवा के अंदर आपको शासन था, तो मालवा से भाग के या मालवा का जो कैपिटल था उस कैपिटल को उसने यहाँ पर आपको शिफ्ट किया आपके सारंगपुर में, और यहीं से उसने अपना राज चलाना आपको शुरू किया। और इसी समय पे यहाँ पे अकबर के द्वारा यहाँ पर जो अटैक है, अकबर के द्वारा अटैक किया जाता है, और उस अटैक के अंदर जो रानी आपके जो रूपमती है, रूपमती वहाँ से भाग निकलती है, और उसके बाद जहर खाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। माना जाता है कि जो आपके जो जो बाज बहादुर थे वो अकबर के दरबार में कुछ समय आपको रहे, और उसके बाद जो आपके बाज बहादुर हैं ये बेसिकली इनकी जब डेथ हुई तो इनकी डेथ के बाद भी इनको सारंगपुर के अंदर यहाँ पर आपको इनको भी दफनाया गया। तो इनकी जो छतरियां हैं, तो उसमें जो बाज रानी रूपमती की जो छतरी है उसको कहा जाता है शहीद वफा, और जो बाज बहादुर की जो छतरी है उसको कहा जाता है आशिके सादिक। तो इन दोनों की छतरियों को दो नाम दिए गए हैं, रूपमती की छतरी को शहीद वफा और बाज बहादुर की छतरी को नाम दिया गया है आशिके सादिक। दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला जो छतरी है वो आपके लोकेटेड है हरदा के अंदर, और हरदा के अंदर भी हरदा के पास में एक जगह है हंडिया, तो हरदा के पास में हंडिया है, तो हंडिया के अंदर ये जो छतरी है
छतरी आपको लोकेटेड है, और ये छतरी किसी छोटे मोटे व्यक्ति की नहीं है, ये छतरी है मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला दो प्याजा कौन थे? अकबर के बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, अकबर के जो नवरत्न है वो नवरत्न में से एक थे। उनकी मृत्यु यहाँ पे हो जाती है, और फिर उसके बाद इनकी जो छतरी अब्दुल मोमी या मुल्ला दो प्याजा, उनकी छतरी का यहाँ पर आपको एस्टैब्लिशमेंट किया। कई सारे लोकल लोग इसको पीर की छतरी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तो हंडिया के अंदर आपको हुआ। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर आपको लोकेटेड है, और यहाँ पर जो टॉम है ये है बिल्किस बानो बेगम का। ठीक है, तो बिल्किस बानो बेगम की एक जो छतरी है, वो छतरी यहाँ पर एक बोल सकते हैं जो टॉम है, टॉम आपको एस्टैब्लिशमेंट है। अब देखो ये जो टॉम है ये बेसिकली जो मुगल जो सूबेदार हुआ करते थे शाह शुजा, तो शाह शुजा की पत्नी हुआ करती थी ना, एक तरह से जो शाहजहा और मुमताज है तो उनका बेटा जो था शाह शुजा, तो शुजा की जो पत्नी थी बिल्किस बानो बेगम, उनकी यहाँ पर आपको मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो छतरी है वो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में एस्टैब्लिश की गई। तकरीबन मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बिल्डिंग है, और जहाँ पर ये छतरी बनाई गई या टॉम बनाया गया सॉरी, उस टॉम के साथ में एक खरबूजा महल भी लोकेटेड है। एक खरबूजा महल धार में है, एक खरबूजा महल आपके बिल्किस बानो के मकबरे के अंदर आपको लोकेटेड है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट जो छतरी मध्य प्रदेश में या छतरी या टॉम आपको एस्टैब्लिश की गई, चल भाई आगे चल, है ना। तो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंदर। अब देखो इंदौर जो है वो होलकर उसका एक तरीके से आपको केंद्र रहा है, और इंदौर में कई सारी छतरियां बनी। एक छतरी समूह इंदौर में है, इसको कृष्णपुरा की छतरिया कहा जाता है। यहाँ पर जो इंदौर की जो बेगम थी कृष्णाबाई होलकर, उसके साथ में तुकोजी राव होलकर और शिवाजी राव होलकर, तीनों की छतरियां एक साथ बनी है जिसको कृष्णपुरा की छतरिया कहा जाता है। खान नदी के किनारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद यहाँ पर एक और छतरी है बोलिया सरकार की छतरी, जो यहाँ के लोकल सूबेदार हुआ करते थे तो बोलिया सरकार, तो उनकी छतरी लोकेटेड है आपके इंदौर के अंदर। उसके साथ में इंदौर में एक जगह छतरी बाग, तो छतरी बाग में कई सारी छतरियां लोकेटेड है, जिसमें स्पेशली जो मल्हारा होलकर की जो पत्नी है गौतमाबाई होलकर, उनके बेटे खांडेराव होलकर की, और उसके साथ में मल्हार राव होलकर की भी छतरी यहाँ पर आपको लोकेटेड है। अब बोलोगे सर वेट, मल्हारा होलकर की छतरी तो हमने पढ़ा है आलमपुर में लोकेटेड है, आलमपुर भिंड में लोकेटेड, बिल्कुल उनकी छतरी वहीं पर आपको लोकेटेड है, लेकिन उनकी जो बहू थी अहिल्याबाई होलकर, उन्होंने सेरेमोनियल तरीके से एक छतरी यहाँ पर भी स्टैब्लिश की। कभी एग्जाम में आए तो आपको आलमपुर भिंड ही लगाना है, ये नहीं लगाना है। तो छतरी बाग के अंदर कई सारे एक तरीके से बोल सकते हैं रॉयल जो खान रॉयल एक तरीके से जो कब्रिस्त रॉयल जो शमशान है, तो रॉयल शमशान के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इंदौर की छतरियां हो गई। उसके बाद कुछ छतरियां लोकेटेड है धार के अंदर, धार जिले के अंदर। धार जिले के अंदर जो पहली छतरी लोकेटेड है वो है मलिक मोगी नाम के एक अधिकारी हुआ करते थे, और मलिक मोगी जो है ये आपके जो उस समय पे जो दिल्ली मालवा सल्तनत हुआ करती थी, तो उस मालवा सल्तनत के बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको व्यक्ति थे। ठीक है, ये थे फादर आपके महमूद खिलजी के, मोहम्मद खिलजी जिसने गोरी डायनेस्टी को खत्म करके आपका अलग से फिर खिलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया मालवा में। बट मेन जो रोल है वो होता है मलिक मोगी का, या इनको मलिक मुतिक के नाम से भी जाना जाता है। ही अडॉप्ट द टाइटल ऑफ द आजम हुमायूं, और इनके बेटे ने ही इनको आजम हुमायूं का जो टाइटल है वो टाइटल आपको दिया था। तो आपके महमूद खिलजी के बेटे मतलब महमूद खिलजी के जो पिता हैं मलिक मुतिक, उनका टॉम आपको लोकेटेड है आपके धार के अंदर। स्पेशली ये लोकेटेड धार सिटी के अंदर ही इसको एस्टैब्लिश किया गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी है धार जिले में वो है महमूद की छतरी। महमूद मतलब कौन? महमूद मतलब महमूद खिलजी जो है। महमूद खिलजी की जब डेथ हुई तो महमूद खिलजी को धार के जो मांडू है मांडू के अंदर आपको दफनाया गया, और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट से छतरी बनाई गई। अब छतरी देखो ये इमेज आपको दिख रही है तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय अभी अभी के टाइम पर आपको हो चुकी है। पीछे एक जो बड़ा सा पिलर आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली महमूद खिलजी ने जब आपके राणा सांगा के साथ जब आपको लड़ाई राणा कुंभा के साथ जब आपको लड़ाई की, और राणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो बड़ा सा विजय स्तंभ बनाया, तो उसके बदले ये भी एक विजय स्तंभ बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टैब्लिश उसको या फिर आपको नहीं बना पाए। अगली जो इंपॉर्टेंट टॉम है मध्य प्रदेश में वो है महमूद शाह की, होशंग शाह की आपको टॉम। और होशंग शाह कौन थे? होशंग शाह यहाँ के दूसरे राजा थे। पहले राजा थे दिलावर खान मालवा सल्तनत के, और उसके बाद दूसरे राजा हुए होशंग शाह। बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, और इसको भारत की
पहली ऐसी बिल्डिंग माना जाता है जो संगमरमर से आपको बनी है। तो संगमरमर से बनी पहली बिल्डिंग आपको है, और इसका निर्माण शुरू किया था आपके होशंगा शाह गौरी ने खुद ने, लेकिन बाद में महमूद खिलजी ने इसका कंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट किया इन द 1440। और माना जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण हुआ, तो ताजमहल का बेसिक स्ट्रक्चर होशंगा शाह के नाम या होशंगा शाह का जो मकबरा है इसी से लिया गया था। स्पेशली इस मकबरे के साथ में एक अलग से एक इंस्क्रिप्शन लगा है जहां पर शाहजहां के कुछ अधिकारियों की यहाँ पर विजिट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। अगला जो मकबरा है मध्य प्रदेश में वो है दरिया खां का टॉम्ब या दरिया खां का मकबरा। अब देखो, जो दरिया खां थे ये सुल्तान जो महमूद सेकंड थे, सुल्तान महमूद सेकंड जो मालवा सल्तनत के अंदर हुआ करते थे, उनके बड़े एक इम्पॉर्टेंट दरबारी हुआ करते थे, और उनके नाम से या उनके लिए स्पेशली ये दरिया खां का मकबरा बनाया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है यहाँ पे दरिया खां का मकबरा, उनके अधिकारी हुआ करते थे। अगला इम्पॉर्टेंट जो जिला है, धार जिला तो हमारा हो गया, धार के बाद हम आते हैं जबलपुर के अंदर। तो जबलपुर के अंदर जो छतरी लोकेटेड है वो है समाधि रानी दुर्गावती की। खैर समाधि तो यहाँ पर आपको नहीं बनी है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक तरीके से उनके जब उन जहां पर उनकी मृत्यु हुई ना, उस जगह का नाम है बरेला। तो जहां पर उन्होंने असफ खान के साथ जब बैटल लड़ा था, और उस बैटल के प्लेस पे जहां पर वो बैटल हुआ था, और वहां पर रानी दुर्गावती की जहां पे मृत्यु हुई उसी जगह पे बाद में जाके जो राणा जो राजा के जो सिंधियाज हैं उनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट छतरी जो है, छतरी का निर्माण यहाँ पर आपको किया गया। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट छतरी है वो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के अंदर, और खरगोन जिले के अंदर छतरी है आपके अहिल्याबाई होलकर की, और ये लोकेटेड है आपके महेश्वर नाम की जगह पे जहाँ पर माना जाता है कि रानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु हुई, और वहीं पर इनकी पर जो छतरी है इस छतरी का निर्माण किया। वहां पर जो महेश्वर का जो फोर्ट है उस फोर्ट के किनारे ही इस छतरी को स्टैब्लिश किया गया। अगली जो इम्पोर्टेंट छतरी है मध्य प्रदेश के अंदर, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंदर, और ग्वालियर जिले के अंदर जो पहली इम्पोर्टेंट जो छतरी है वो छतरी है आपके भीम सिंह राणा की छतरी। अब भीम सिंह राणा अगर देखा जाए तो ग्वालियर के अंदर काफी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी आपको है, और ये जो राणा भीम सिंह है ये ग्वालियर के अंदर यहाँ के राजा हुआ करते थे एक तरीके से। जो गोहद करके जगह है ग्वालियर के पास में, तो गोहद का जो किला है, गोहद के जो राजा हैं, जब उन्होंने ग्वालियर को कैप्चर किया तो उस समय पे वहाँ के राजा की यहाँ पर आपको मृत्यु हुई, और वहां पर भी भीम सिंह राणा की जो छतरी है वो ग्वालियर में स्टैब्लिश की गई। ग्वालियर में अगली जो टॉम्ब है वो है तानसेन का मकबरा। तो सम्राट जो है संगीत के तानसेन, उनका जन्म हुआ था ग्वालियर के पास में एक बेहट नाम की जगह, और यहीं पर फिर उनकी मृत्यु के बाद उनका जो एक मकबरा है इस मकबरे को स्टैब्लिश किया गया। इनके साथ इनके जो गुरु थे गौस मोहम्मद, तो उनका मकबरा भी स्टैब्लिश किया। तो तानसेन और गौस मोहम्मद दोनों का मकबरा स्टैब्लिश किया पूरी तरीके से मुगल आर्किटेक्चर के अंदर। ये मकबरा आपको स्टैब्लिश है और बहुत सुंदर बिल्डिंग है। इनके साथ में इनके गुरु का मकबरा है वो भी यहाँ पर आपको लोकेटेड है। तो याद रखना तानसेन और गौस मोहम्मद दोनों का मकबरा आपको लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी आपको बनी है। 1857 के रिवोल्ट के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पे किया गया था। और जब होलकर जब सिंधिया पीरियड आया तो माधवराव सिंधिया सेकंड ने आपके रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है इस समाधि का निर्माण आपके ग्वालियर के अंदर फूलबाग नाम की एक जगह पे किया। उसके बाद ग्वालियर के अंदर एक और छतरी है, और उस छतरी को कहा जाता है आंतरी का छतरी। अब देखो, जो आंतरी का छतरी है ये बेसिकली माना जाता है कि यहाँ पर जो अबुल फजल जो है, अबुल फजल का यहाँ पर आपको छतरी था। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल भी अकबर के बड़े जो नवरत्न है उन नवरत्नों पे से एक हुआ करता। अब देखा ना, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन या अबुल फजल, कई सारे मुगल जो दरबारी हैं, मुगल के स्पेशली मुगलों के जो बड़े अधिकारी हैं उन अधिकारियों की छतरी या उनके जो नवरत्न है उनमें से कई सारे लोगों की छतरियां मध्य प्रदेश में बनी है। तो इनकी मृत्यु होती है आपके ग्वालियर के पास में एक जगह आंतरी, और आंतरी इट्स लोकेटेड इन द भितरेश्वर करके एक जगह है। तो भितरेश्वर के अंदर आपको ये जगह आपको लोकेटेड है, और जो आइन अकबरी और अकबर नामा के जो राइटर है उनकी यहाँ पर आपको हत्या की गई थी, और इनकी हत्या की थी आपके ओरछा के राजा वीर सिंह जो देव ने, जिनको जहांगीर ने इनकी हत्या करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर उनकी जो छतरी है या एक तरह से टॉम्ब है, टॉम्ब अकबर ने बाद में यहाँ पर आपको बनवाई। तो आंतरी की छतरी बहुत ही सिंपल सी बिल्डिंग यहाँ पर आपको बनी हुई है। अगला जो इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका शिवपुरी, और शिवपुरी के अंदर दो तीन इम्पोर्टेंट छतरी है। सबसे पहले यहाँ पर छतरी है आपके जो सिंधिया राजा हैं, तो सिंधिया राजाओं की यहाँ पर आपको छतरी बनी है। स्पेशली यहाँ पर जो शंख सागर करके एक लेक है
उस रिंग के किनारे शिवपुरी के अंदर छतरियां बनी, जहां पर जो आपके इनके रॉयल फैमिली थी, तो रॉयल फैमिली के जो भी व्यक्तियों की डेथ होती थी उनकी छतरी यहाँ पे बनाई जाती थी, जिसमें स्पेशली जो सिंधिया क्वीन हुआ करती थी उनका नाम था सांख्य राजे सिंधिया, तो उनकी एक बड़ी सी छतरी जो है शिवपुरी में आपको बनाई गई है। उसके बाद जब आपके तात्या टोपे की जब मृत्यु हुई, तात्या टोपे की मृत्यु के बाद तात्या टोपे की समाधि, क्योंकि उनको 18 अप्रैल 1859 को उनकी शिवपुरी के अंदर जहां पर छतरी बनी है उसी की जगह पर उनकी हत्या कर दी गई, उनको किल कर दिया गया, और उसके बाद उनकी जो छतरी है उनकी छतरी यहाँ पर आपको बनाई गई। तो ये छतरी काफी लेटर पीरियड में आपको बनी। अगले छतरी की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर, या अगले टॉम की अगर बात करें, तो अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट जिला है, अगला जिला है आपका निवाड़ी, और निवाड़ी के अंदर लोकेटेड है ओरछा, और ओरछा के अंदर लोकेटेड है कंचन घाट, जहाँ पर कई सारे यहाँ के जो एक तरीके से बोलते हैं रॉयल शमशान के रूप में एस्टैब्लिश किया, द प्लेस इज कॉल्ड द कंचन घाट। बेतवा नदी के किनारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा आपको प्लेस है, यहाँ पर जितने भी राजाओं की मृत्यु हुई है तो मैक्सिमम राजाओं की जो छतरी है वो ओरछा के अंदर आपको मिली। तो ओरछा की जो छतरियां हैं ये बेसिकली जानी जाती हैं अपने स्पेशली अपने जब यहाँ के जो रॉयल किंग्स हैं उनकी छतरियों के लिए, या उनके अंतिम संस्कार के लिए इसको जाना जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट छतरी है मध्य प्रदेश के अंदर वो है भिंड जिले के अंदर, और भिंड जिले के अंदर छतरी लोकेटेड है आपके हमारे जो मल्हार राव होलकर है, मल्हार राव होलकर की। अब देखो मल्हार राव जो होलकर है इनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर, एक युद्ध लड़ने एक बैटल लड़ने आपको गए थे, और उस दौरान यहाँ पर इस एरिया से जब गुजर रहे थे तो यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है, और बाद में फिर उनकी जो बहू है अहिल्याबाई होलकर उन्होंने मराठा आर्किटेक्चर के अंदर इस सुंदर सी छतरी का निर्माण यहाँ पर आपको किया। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट जो छतरी है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है बुरहानपुर के अंदर, बुरहानपुर में कई सारी छतरियां आपको लोकेटेड है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेस लोकेटेड है यहाँ पे वो है दोस्त मोहम्मद खान और आपके जो फतह बीबी है इनका मकबरा लोकेटेड है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर आपको चीजें गलत हो गई है, एक्चुअली ये लोकेटेड है भोपाल के अंदर, गलती से बुरहानपुर में चला गया है, और अगर मैं उसको रोक के ठीक करूंगा तो पूरा वीडियो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब लिख लो ये लोकेटेड है आपके इस्लाम नगर नाम की, जो इसको हम जगदीशपुर के नाम से जानते हैं, तो वहां पर लोकेटेड ये छतरी, और ये छतरी है आपके भोपाल के फाउंडर दोस्त मोहम्मद खान और उनकी जो पत्नी है फतह बीबी, जिनके नाम से वहां पर फतहगढ़ का फोर्ट बनाया गया, तो उनके नाम से ये मकबरा बनाया गया। अगला जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है दौलत खां का मकबरा। अब देखो दौलत खां जो थे इनका मकबरा लोकेटेड है आपके बुरहानपुर के अंदर, है ना, वो आप ठीक कर लेना, बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो आपके बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर के अंदर दौलत खां का मकबरा है, और जो दौलत खां जो थे ये शाहजहां के अधिकारी हुआ करते थे, उनके बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे, जहां पर जब साउथ का कैंपेन आपके शाहजहां ने स्टार्ट किया तो उस समय पर दौलत खां लोधी जो है उन्होंने इनकी बहुत यहाँ पर आपको मदद यहाँ पर आपको की, और एक समय पर शाहजहां ने उनको दौलत खां लोधी को बुरहानपुर का गवर्नर भी आपको नियुक्त किया था, फिर उनकी मृत्यु यहीं पर हो गई। इसको आप मुगल जो सल्तनत पीरियड के अंदर जो दौलत खान लोधी है उनसे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट जो टॉम है वो है आपके शाहनवाज खान की टॉम, और शाहनवाज खान की जो टॉम है इस टॉम को ब्लैक मकबरा के रूप में या ब्लैक ताजमहल के रूप में इसको यहाँ पर आपको माना जाता है। अब ब्लैक मकबरा इसलिए या ब्लैक ताजमहल इसलिए कि पूरी तरीके से जो ताजमहल है उसी के डिजाइन में उसी के तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई थी। एक्चुअली ये आपके जो शहनवाज खान है, शहनवाज खान का मकबरा है, और शहनवाज खान ही वॉज द सन ऑफ अब्दुल रहीम खाने खान। तो अब्दुल रहीम खाने खान का जो बेटा था शहनवाज खान, जब इनकी मृत्यु हुई 1622 में 1622 में, तो उसके बाद उनके पिता जो थे अब्दुल रहीम खाने खान जो इसी एरिया के अंदर आपको थे, और ये बात आपके जहांगीर के टाइम पर आपको है, तो जहांगीर के टाइम पर उनकी जो मृत्यु हुई वो उनके बेटे के लिए उन्होंने ये जो ब्लैक टॉम है या बोल सकते कि ब्लैक ताजमहल है इसका निर्माण किया। खैर इसको ब्लैक ताजमहल लोग ही बोलते हैं, बट इसको शाहनवाज खान का मकबरा आपको कहा जाता है। तो अब्दुल रहीम खाने खान का जो बेटा है उनका मकबरा आपको जो करे, और पूरा ये मकबरा ब्लैक सैंड स्टोन या जो काला संगमरमर का जो काला जो पत्थर है, काला जो ब्लैक सैंड स्टोन है उस ब्लैक सैंड स्टोन से बनाया गया, इसलिए इसको काला ताजमहल के नाम से यहाँ पर आपको जाना जाता है। अगला जो इम्पोर्टेंट मकबरा है आपके बुरहानपुर शहर के अंदर, बुरहानपुर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर लंबे समय तक मुगलों का और बाकी कई सारी जो अलग अलग सल्तनत है उनका शासन आपको रहा। ठीक है, अगला जो है वो है परवेज का मकबरा। अब देखो परवेज जो थे, परवेज कौन थे, परवेज आपके मुगल जो गवर्नर थे, मुगल आप बोल सकते हैं कि मुगल जो प्रिंसेस थे, मुगल प्रिंस हुआ करते थे, मुगल हिंदी में अगर बोले तो मुगल एक
हिंदी में बड़ा प्रॉब्लम आता है, प्रिंस हुआ करते थे, समझते हैं, राजकुमार हुआ करते थे। तो ये जहांगीर के बेटे थे और इनकी मृत्यु 1610 में, 1610 के अंदर अब जहांगीर जहांगीर के बेटे के मृत्यु इसकी मृत्यु हो जाती है आपके बुरहानपुर पर, यहीं पर उनके नाम से ये टॉम बनाएगी। कुछ ऐसी कंडीशन है अभी टॉम की, इसको रेनोवेट वगैरह सरकार ने अभी तक किया नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉम है वो है घोसीवाड़ा की सराई। तो घोसीवाड़ा की सराई एक बिल्डिंग है बेसिकली, ये भी एक तरह का जो टॉम है या एक तरह से मकबरे के टाइप आपका घोसीवाड़ा को यहाँ पर आपको बनाया गया है। इट इज ऑल्सो लोकेटेड इन द बुरहानपुर। तो बुरहानपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पर इस प्रकार की कई सारी प्लेसेस आपको बनाए। और बुरहानपुर में ये जो घोसीवाड़ा की जो सराय है, ये नसीरुद्दीन फारूकी नाम के जो व्यक्ति थे जिन्होंने जैनाबाद शहर यहाँ पर आपको बनाया था, तो उनके जो संत थे उनके नाम से इसको एस्टैब्लिश किया। तो घोसीवाड़ा के सराई है जहाँ पे सराय और के साथ में एक मकबरा भी है। इसका निर्माण करवाया था राजा अली खान, जब उनके जो गुरु थे सूफी संत आपका जियानुद्दीन सिराजी, उनकी मृत्यु हुई तो उनकी याद में इस मकबरे का निर्माण किया। अगला जो इंपॉर्टेंट समाधि है वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश के सीहोर में, और सीहोर के अंदर कुंवर चैन सिंह की छतरी आपको लोकेटेड है। कुंवर चैन सिंह, इनको मध्य प्रदेश का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता था। ब्रिटिशर्स के साथ में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट जो बैटल है, एक इम्पॉर्टेंट आपको बैटल आपको यहाँ पर आपको लड़ा, और उस बैटल के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में कैप्टन मैडॉक जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मैडॉक के साथ में यहाँ पर आपको लड़ाई लड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इस लड़ाई के अंदर आपको मृत्यु हो जाती है। 24 जुलाई 1828 को ये बैटल लड़ा गया, और उसके बाद में बहुत बाद में यहाँ पर राज्य सरकार ने उनकी याद में जो छतरी है उस छतरी का यहाँ पर आपको निर्माण किया, इसका एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आपको किया। तो ये सीहोर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट छतरी है। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट छतरी हुई मध्य प्रदेश के अंदर। कई सारी ऐसी चीजें भी हमने डिस्कस की जो शायद आपको पता नहीं होगी। कुछ और अगर आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर तो आप जरूर इसके अंदर आपको ऐड कीजिएगा। साथ ही अभी के समय पे चल रहा है अन अकेडमी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर, और इस ऑफर के अंतर्गत आपको अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है 7 डे का फ्री सब्सक्रिप्शन, 7 डे का 7 दिन का बिल्कुल मुफ्त सब्सक्रिप्शन आपको मिलने जा रहा है। अब देखो ये जो 7 डे का सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन को आपको 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में रिडीम करना पड़ेगा, आज या आपके परसों तक, मतलब आज कल और परसों, 3 दिन तक ये ऑफर आपको है। और इस 3 दिन में अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 7 डे का फ्री ट्रायल। उसके लिए सिंपली आपको कोड यूज करना पड़ेगा पवन लाइफ, मेरा कोड यूज करो और 7 डे का जो फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा एक जीत करके बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी पुलिस और कांस्टेबल के लिए। उसके अलावा जीत करके एक बैच, जिद करके एक बैच है जो 30 डे का एक मैराथन बैच आपको है जो 1999 में आपको मिल रहा है। जेल प्रहरी का एक बैच है, एमपीजीके का एक बैच है, ऐसे कई सारे बैचेस अभी के समय पे आने वाले हैं। और इन बैचेस के माध्यम से हम आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करें, व्यापम और एमपीपीएससी दोनों का सब्सक्रिप्शन आपको एक साथ मिल सकता है। तो अभी जाएं और अभी जाके अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द लेक्चर, इसको लाइक कीजिए। और जो इसका लिंक है वो द 7 डे फ्री ट्रायल, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू।